तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 7, अभी 5 मिनट कम है 7 बजने में, और सुबह सुबह ये चना आ गया खाने के लिए 7 बजे ही। बाहर में ये देखिए धुंध पड़ा हुआ है हल्का फुल्का, और मौसम तो साफ ही है। रोड पर भी बहुत कम लोग ही दिख रहे हैं 7 बजे, क्योंकि अभी अंधेरा ही था। 6:30 बजे तो अंधेरा ही था, अभी साफ हुआ है। सो गाइस, अभी खाना निकाल लिया हूँ। ये चने और पालक आलू की सब्जी है, और ये चावल। और बाबू जग के इधर सुबह सुबह मोबाइल चला रहा है, ये देखिए बाबू। अरे पपी देना बाबू, पपी पपी दे दो पपी दे दो पपी बाबू, एक पपी देना ले ये क्या कर दिया बेटा, देखो ये। अरे रे, ये देखो, ये देखो क्या कर दिया प्रियंका के पैर पे। अरे रहा रहने रहने, अब मेरे पे भी गुस्सा हो रहा है। कोई बात ना बेटा, कोई बात ना। अरे ये देखो, अभी ये फिर बैठ के चलाने लगा, अभी क्या क्या कर दिया। ये देखो इधर भी लगा दिया है, ये देखो गुस्से में है, अभी देख भी नहीं रहा मेरे तरफ। बाबू आरुष, ये गुस्सा हो गया है बेचारा, रो रहा है खाने के लिए, मम करे जा रहा है। खाना नहीं चाहिए मम्मा, मतलब मोबाइल चाहिए। मोबाइल को भी मम बोलता है बाबू। पानी देना इसको बाबू, कहीं ये थर्मामीटर है, चेक करते हैं खाना खाएगा कि नहीं। लो बाबू, मम 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 खाएगा खाएगा लेगा बाबू लेगा। आज बाबू का चेकअप है, तो आंगनबाड़ी में जाएंगे और इसका चेकअप करवाएंगे। आज चलते हैं ना वहाँ पे, इंजेक्शन दिलवाएंगे बाबू को। इंजेक्शन है बाबू, बाबू आंगनबाड़ी में इंजेक्शन है। कह रहा है ना कि पहन के जल्दी चलो, इसको लग रहा है ना घूमने जा रहे हैं। इंजेक्शन लगेगा बाबू, इंजेक्शन ना, मेडिकल चेकअप है। इग्नोर कर रहा हूँ, तो जो चीजें पसंद नहीं आती ना उसको इग्नोर करता है। चलो बाबू चलो, चलो आंगनबाड़ी में बाय, जाओ फिर मैं बाद में आऊंगा, जाओ। तो गाइस, यहाँ पे कुत्ते को पैर पे चढ़ा दिया वो कार वाले ने, आगे गया, बहुत गलत किया। ये छोटा सा बच्चा है, इसको चढ़ा दिया पैर पे। वो देखिए वो जा रहा है बेचारा, इतना छोटा है। अरे उस रोना नहीं, तो निकल जाएगा। इसका वजन हो रहा है, भाग रहा, करना करना। ये बाबू 10.25 के जी हो गया है। अरे इसका हाइट हो रहा है, हाइट और ऊपर जाएगा, और ऊपर 80 है, 80। रो रहा था क्यों बाबू, रोते नहीं ना। अरुष वजन तो हो रहा था ना, इन दोनों का वजन होगा और फिर माइनस होगा। 50 हाँ, मतलब 56.200। तो अरुष के नीचे उतरा, हाँ। अभी प्रियंका का वजन कर रहे हैं, फिर माइनस होगा। 46 है प्रियंका का, और बाबू का दोनों का वजन किए और फिर प्रियंका का, और फिर माइनस कर दिए, तो बाबू आया 10 kg 500 g। अरे आरुष तू इतना वजन हो गया बाबू। कितना होना चाहिए बच्चे का वजन? ठीक है, अभी तो बढ़ गया है। बढ़ गया है ना, वजन ही करना था बस। नहीं, वो डॉक्टर अभी आने वाले थे, लेकिन डॉक्टर आया नहीं। उसने अभी फोन किया कि आज कैंसिल हो गई, बाद में आऊंगा। फिर कब? तो वो तारीख देंगे, तब मैं फोन करूंगी सुबह। ओके ओके, हाँ फिर अब हम लोग जा सकते हैं। हाँ जा सकते। चलो बाबू फिर चलो, आज तो बाबू बच गया, इंजेक्शन नहीं दिया। आज बच गया बराबर। हाँ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अब नहीं रोएगा ना बाबू, आज तो हुआ नहीं और अगली बार होगा। इंजेक्शन अभी डॉक्टर आया नहीं है, तो अगली बार नहीं देना है, बस हेल्थ चेकअप है। जब 5 साल का होगा ना तब इंजेक्शन लगेगा। इलाज करवाने आया और झूले का मजे ले रहे हैं। आरुष कैसा लग रहा है? ए आरुष,
ये अभी नानी जी के घर पे मिलने आ गया बाबू। बाबू चलो गाड़ी पे चलो, नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, अभी गुस्सा जाएगा मेरे पे। इसका खुशी देखो कितना खुश हो रहा है। भाग गया नानी जी के पास। हाँ पहचान गया। अभी मैं घर पे आ गया और ये देखिए यहाँ पे जो फूल था उसको कोई, ये पता नहीं पक्षी नहीं है पता नहीं कौन ने इसकी पेड़ को ही काट दिया, ये यहाँ पे गिरा हुआ है। ये पौधे को ना पहले भी इसमें निकला हुआ था तो वो भी काट दिया था। इसमें हम लोगों ना सब्जी के छिलके डाल देते हैं जिससे इसको नेचुरल खाद मिलते रहे। ये टमाटर इतने बड़े हो गए हैं अब इसमें आने वाले हैं वो क्या टमाटर है। इसमें मैं पानी डाल देता हूँ। हम लोग पक्षियों के लिए पानी रखते हैं यहाँ पे, चावल रखा हुआ है यहाँ पे खाने के लिए। मैं पानी गर्म कर लेता हूँ पीने के लिए क्योंकि मैं गर्म पानी पीता हूँ। ये बिस्लेरी का पानी है, ये रात वाला दूध है, ये फट गया है तो इसका मैं पनीर बनाता हूँ। ये बोतल के ढक्कन को बाबू ने पटक पटक के क्या हाल बना दिया है इसका। और ये वाला दूध है जो मैं पनीर बना रहा हूँ, पता नहीं क्या बनेगा मेरे को तो नहीं पता लेकिन मैं बना रहा हूँ। खराब हो गया है, ये पानी गिरते रहता है इसमें से, यहाँ नीचे से बंद करना पड़ता है। ये बंद हो गया, ये बेसिन है ये आधा से ज़्यादा रेडी हो चुका है। और दो इलायची मैं डाल देता हूँ इसमें जिससे इसका सुगंध बहुत अच्छा निकलेगा। इसकी पानी सूखते ही ना पनीर जैसा हो जाएगा और चीनी डाल के खाने में बहुत अच्छा लगेगा। जो दूध फट गया था मैं उसका बनाया हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये, अब खाने में इतना मस्त लगेगा ना। मैंने चीनी भी डाल दिया था, इलायची भी, और जो पानी था ना वो भी नहीं निकाला था उसमें से, पूरा वैसे ही उसी में सुखा दिया उसको पानी। मेरे को तो पता है ये प्रियंका रहती ना तो प्रियंका मतलब वो ज़्यादा खाती, उसको बहुत पसंद है ये। अभी मैं जा रहा हूँ बाबू को लेके आने और प्रियंका को, मैंने बोला था कि एक डेढ़ घंटे में आऊँगा और उससे ज़्यादा हो गया, ढाई तीन घंटे हो गया। बाबू भूखा भी होगा, खाना तो यहीं है तो सेरेलैक्स खाता है तो लेके नहीं गए थे, तो अभी मैं जाता हूँ जल्दी से। ब्लॉग भी अपलोडिंग पे लगा दिया हूँ, ये देखिए ये अपलोड हो रहा है। फोन कर देती तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाता, मैंने सोचा कि भूखा होगा ये, शाम को जाएगा। तो खाया ये पूरी खाया है। पूरी खाया इसका फेवरेट चीज आज मिल गया। खाना खाया आरुष बाबू चले, ये पूरा नींद नहीं हुआ है। हाँ तो इसको सुला देती मैं चला जाता बाद में आता। क्यों नीचे करना पड़ता है ना, हाँ, इस वजह से वो फिर इतना ऊपर चढ़ो फिर नीचे तो बहुत दिक्कत होती है। कितने की है? 14 रुपये। इसमें तो 13 रुपए लिखा है। 13 रुपए लगा लेते हैं क्या? हाँ। दही? कितने की है? 10। दे दो 10 वाली। एक एक एक। ये दीजिए। ये हो गया। 1 रुपए की टॉफी दे दीजिए बाबू के लिए। इसको चाहिए। लेगा बाबू? ये? ले ले। बाबू दे दो मेरे को, ये बाबू दही लेके और दे भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, देखो ये मैं क्या लाया आपने लिए, ये बहुत ठंडा है, दे दो मेरे को, दे दो सोना बाबू। नहीं देगा, इसको दही पसंद आ गया, खाएगा नहीं ये, वैसे ही लेके ये घूमता रहेगा। ये देखिए दही निकालने का स्टाइल मेरा, आए वो दही नहीं है छाछ है। हाँ छाछ निकालने का स्टाइल मेरा, ये देखो ऐसे निकाल रहा है, क्या जुगाड़ लगा। सब्जी चावल निकाल लिए हैं और ये देखिए इधर चावल है और ये सब्जी और इधर छाछ है। बाबू को भूख लगा, ये रो रहा है कब से बेचारा। दे 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 दे।
सुबह का ही खाया है ये। जो हम लोग दही लाए थे वो ऐसा निकला है, एकदम मस्त निकला है। इसी के लिए लाया था। कैसा लग रहा है दही प्रियंका? चक्कर तो पीने ही नहीं है इसमें। अभी मैं गया था मार्केट और ये देखिए ये लेके आया हरा प्याज है, ये पापड़ी है, इसका ना अभी सब्जी बनाने वाले हैं। क्या है अरे अरे मैं लगा राजा बाबू, हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ मिलाओ ऐसे नहीं प्यार से। क्या है पूरा गिलास में भर चुका है, अब इसमें नमक डाल के और इसको खाने के साथ रोटी के साथ यूज करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये लस्सी ओवरफ्लो हो गया था, हमारे सब्जी में छलांग मार दिया ये। यार आज तो लस्सी ने छलांग मार दिया सब्जी में। हाँ सब्जी, ये लो दूध है भाग रहा है। ये मेरे रूम में ना कॉकरोच आ जाते हैं, देखो ये देखिए यहाँ पे तीन तीन इस पे चढ़े हुए हैं, ये बेलन पे। इन लोगों का तो अभी मैं फेंकने वाला हूँ बाहर, ऐसे यहाँ पे करके, और तीनों गए नीचे, बहुत हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन जो भी हम बर्तन यूज करते हैं ना वो सब धो के यूज करते हैं, इसमें पड़ी है तो कोई बात नहीं, जब तक वो क्या है ना कॉकरोच आके घूमते रहते और जब हमें यूज करना है इसको तो धो लेते हैं। हम लोग कल रात को रोटी दो बचा के रखे थे कि आज सुबह में खाएंगे, तो इसमें ही पैक रह गया और हम लोग भूल गए। और अभी मेरे खाना खाते समय पता चला, अरे याद आया कि अरे रोटी भी रखे हैं, ये कल वाला रोटी है। और ये ना देखते हैं अभी क्या है, मेरे को तो लग रहा है कि ख़राब नहीं हुआ है बिल्कुल, ये एकदम रोटी फ्रेश है, बस इसको गर्म करके और खा सकते हैं। वैसे तो अब हम खाएंगे नहीं इसको, इसको ना हम कल गाय को दे देंगे खाने के लिए। अब गुस्सा हो चुका है, ये मानेगा नहीं। आ जाओ बेटा आ जाओ मेरा, आ जाओ देखो कैसे कर, आ जाओ बाप, देखो गुस्से में कैमरे पे भी मार रहा है। आ जाओ मेरा छोना बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बाबू, ऐसे नहीं गुस्सा करते मेरा राजा बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बाबू, आ जाओ आ जाओ। यार देखो सब कटाकर कैमरा चालू होते ही मान जाता है। कहाँ है बाबू? फैन बंद कर दिया पापा ने। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।